नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम अपनी एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे, पैरा साइकोलॉजी में एक वर्ड आता है साइकी, ये है क्या, क्या साइंस है, क्या कर सकते हैं इससे। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल पहले देखते हैं। आप जब कहीं किसी साधु से, किसी बाबा से मिलते हैं, सडनली वो शुरू हो जाता है। वो कहता है, मैं आपका चेहरा देख के बताता हूँ, आपके दो भाई हैं, एक बहन है, आपका भाई ये करता है, आपके पेरेंट्स वो करते हैं। वो आपको पूरी डिटेल दे देता है, डिस्क्रिप्शन दे देता है आपके पूरे घर की, और वो आपको क्या लगता है कि उसने आपका चेहरा पढ़ लिया। हम उससे घबरा भी जाते हैं कई बार। कुछ लोगों में ये भ्रांति भी है, किसी की आंखों में मत झांको वरना वो सारा आपका डाटा ले लेगा, और इस वजह से हम उनसे कतराने भी लगते हैं, डरने लगते हैं, फियर फील करते हैं। जब हम ऐसे लोगों से या ऐसे बाबाओं से मिलते हैं तो हम कतराने लगते हैं, उनसे दूर हटने लगते हैं, हमें फियर लगने लगता है, हमें फोबिया हो जाता है उनसे। ये है क्या? मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि मेरे से कुछ पैसे एक बाबा जी ने ठग लिए या ले लिए। उन्होंने मेरे को सब कुछ बता दिया जिससे मैं घबरा गया। ये कोई विज्ञान है? ये कोई थ्योरी है? क्या ये साइकोलॉजी इसको सपोर्ट करती है? तो अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, तो ये वीडियो उन सारे सवालों का जवाब है। पैरा साइकोलॉजी में एक थ्योरी आती है, विच इज कॉल्ड साइकी। ये है क्या? साइकी होता है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को या माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ देते हैं तो हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और इस टेक्निक को, इस थेरेपी को साइकी बोलते हैं। जो लोग आपका फेस देख के सडनली आते हैं, आपसे बात करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके दो भाई हैं, ये मकान का दरवाजा है, ये सब लोगों को साइकी टेक्नोलॉजी आती है या टेक्निक आती है, राइट? साइकी टेक्निक को वो यूज करके आपका जो भी इन्वायरमेंटल चीजें हैं वो बता सकते हैं। वो उसको कुछ करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए थेरेपी करने की जरूरत है। तो जब आपको वो बताते हैं तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो और आपका लॉजिकल ब्रेन काम करना कम कर देता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का प्लस लगा लीजिए या माइनस, ये है कि उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। तो जब वो आपसे इंफॉर्मेशन दूसरा सबकॉन्शियस ब्रेन मांग रहा है तो वो दे देता है, और लॉजिकल आपका वीक हो जाता है और आप उस आदमी के इन्फ्लुएंस में आ चुके होते हो, और इसी वजह से कई बार छोटी मोटी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो अब हमारे मन में कई सारे विचार भी आ रहे होंगे कि ये टेक्निक कौन कौन लोग सीख सकते हैं और इस टेक्निक से क्या फायदे हैं, और ये कब किसी पे इम्प्लीमेंट होती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये टेक्निक कोई भी सीख सकता है, बशर्ते इसके लिए मेहनत की जरूरत है, और जो टेक्निक को फॉलो करने का सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, ये टेक्निक आप किसी और पे तभी एप्लीकेबल कर सकते हो जब उसका लॉजिकल माइंड कमजोर हो चुका होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लॉजिकल माइंड कमजोर नहीं होता, उस पे ये टेक्निक रुक जाती है। अब हमारे मन में विचार आ रहा होगा कि हम इससे बचें कैसे, कोई हमारी इजाजत के बिना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश ना करे। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो हमें सेफ बनाते हैं, जिसको हम अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। मैं दो तीन आसान तरीके बताने की कोशिश करूंगा आपको, आप फॉलो कीजिए, आप देखेंगे
आप इस टेक्निक से बचे रहेंगे। पहला, जब भी आपको लगे कोई आदमी आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने की कोशिश कर रहा है आपकी इजाजत के बिना, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी दोनों टांगों को क्रॉस कर देना चाहिए। जैसे मैंने हाथ क्रॉस किए हैं, ऐसे ही आप अपनी दोनों टांगे क्रॉस करेंगे। दूसरा, अगर आपने हाथ खोल के रखे हैं, आप इस तरह से हाथ बंद करेंगे। मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं आपको। जब आप ये कर चुके होंगे तो आपकी प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, आप अपने लॉजिकल माइंड को हमेशा एक्टिव रखेंगे। एक्टिव आप किसी भी चीज में उसको लगा के रखेंगे ताकि वो डाउन ना होने पाए। अगर ये दो तीन स्मॉल स्मॉल चीजें आप टेक केयर करेंगे तो आपका ये फियर खत्म हो जाएगा। कोई से ने भी आपकी शक्ल देखी सड़क पे चलते हुए और बताना शुरू कर दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, घर यह है, भाई ये है, बहन ये है, तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, तो वो रुक जाएगा। ये साइकी की टेक्निक है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, इसे स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और पैरासाइकोलॉजी में इसको कवर किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी का तरीका है जिसको फेस रीडिंग बोलते हैं, वो साइकोलॉजी साइकी के तरीके से क्लोज करते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको आप यूज कर सकते हैं जब आप एज ए हीलर काम कर रहे हो किसी को भी स्वस्थ करने के लिए। ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देखिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी, और इसमें साइकी टेक्निक कैसे लगी। अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर जो लोग मेरे दोस्त हीलर हैं, जो हीलिंग करते हैं, जो थेरेपीज़ करते हैं, उनके लिए ये रामबन है बेसिकली। बहुत अच्छी टेक्निक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए इसको सीखने की। इसको हम हल्की भाषा में माइंड रीडिंग भी बोल देते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आपके सुझाव, आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा। जल्दी मुलाकात होगी फिर नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।